एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड की एंडिंग से होती है, जहां मेंगवी को शेन मीडिया से बचाते हुए उसके लिए फ़ाइन भी पे करने के लिए तैयार हो जाता है। सीन अब एक होटल रूम में शिफ्ट होता है, जहां की मेंगवी बेहोश होती है और शेन उसके पास में बैठा हुआ होता है। तभी वहां पर उसके डॉक्टर फ्रेंड आते हैं, जो उससे पूछते हैं, उसे अच्छी तरह से यकीन है कि ये वही मेंगवी है जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा है। शेन कन्फर्म करता है कि ये वही लड़की है, उसने उसे सारी दुनिया में ढूंढा, लेकिन वो रियलाइज़ ही नहीं कर पाया कि वो अब उसके पास में है और वो उससे प्यार करती है। शेन कहता है कि आज जिस हालत में मेंगवी उसकी वजह से है, वो सबका ज़िम्मेदार वो खुद है, और मेंगवी की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी उसी की वजह से है। जब वो ग्रेजुएट हुआ था तो उसे कैंसर इंस्टीट्यूट में मेंटर बनने के लिए ऑफ़र किया गया था, लेकिन उसने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को चूज़ किया ताकि वो मेंगवी को लेकर एक ऐसी फाउंडेशन बना सके जिससे कि वो उसके स्कार को ढक सके। एटलीस्ट वो उस तरीके से तो उसकी कुछ मदद कर देगा। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि उसने आगे क्या करने का सोचा है, जिस पर शेन उसे कहता है कि अब वो सच में उसका बॉयफ्रेंड बनेगा, वैसा ही जैसा कि वो चाहती है, वो हमेशा उसे खुश रखेगा। डॉक्टर उसे अपने डिसीजन के बारे में अच्छे से सोचने के लिए कहते हैं। टाइम स्किप होता है और फिर मेंगवी की नींद खुलती है, तो वो अपने पास में अपनी सारी फेवरेट चीज़ों को देखती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। बेड से नीचे उतरते वक्त वो देखती है कि शेन ज़मीन पर सोया हुआ है। वो उससे बचने के लिए दबे पाँव से वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन शेन की नींद खुल जाती है। मेंगवी उसे सॉरी कहती है कि उसकी वजह से उसने इतना ज़्यादा खर्च किया, वो उसका बिल पे कर देगी। शेन उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और कहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। मेंगवी उससे कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, उसकी दूसरी पर्सनैलिटी करती है, लेकिन शेन उससे फिर भी इंसिस्ट करता है और उसकी बातों से मेंगवी इरिटेट होकर वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन शेन उसे रोक कर खुद ही जाने लग जाता है। मेंगवी कहती है कि वो सिर्फ 12 नून तक ही वहाँ पर रुकेगी। इसके बाद में सीन चेंज होता है और फिर हम मेंगवी और डॉक्टर ताओ को साथ में देखते हैं। मेंगवी डॉक्टर ताओ से पूछती है कि क्या इवेंट के अलावा भी कुछ और भी वहाँ पर हुआ था, उसने कुछ किया तो नहीं ना। जिस पर डॉक्टर ताओ से कहती है कि उसने कुछ खास नहीं किया था, ना कुछ ऐसा हुआ, बस उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। मेंगवी फिर से अपसेट हो जाती है और फिर सारे पोस्ट को डिलीट करने के बाद वो डॉक्टर ताओ से पूछती है कि वो सच में मुसीबत में है, जिस पर डॉक्टर ताओ उसे अश्योर करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सीन फिर शेन और उसके डॉक्टर फ्रेंड पर शिफ्ट होता है, जो उसे क्लियरली समझाते हैं कि उसके पास मेंगवी को देने के लिए समय नहीं है, वो सिर्फ उसके ऊपर अपने पैसे खर्च कर सकता है, जिसके कहने का मतलब शेन को भी नहीं समझ में आता है। वो उसे समझाते हैं कि वो एक डॉक्टर से कंसल्ट करने वाले हैं जो मेंगवी के चेहरे के स्कार को ठीक कर सकें। अगले ही सीन में हम मेंगवी को उनके साथ में देखते हैं, वो कुछ चेकअप करने के बारे में उसे बताते हैं। उसके चेहरे पर जो निशान है वो काफ़ी बड़ा है और उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना होगा। इसके बाद डॉक्टर ये बात शेन को भी बताते हैं और कहते हैं कि अगर डॉक्टर स्मिथ मान जाए तो फिर मेंगवी के स्कार को ठीक किया जा सकता है। जो सुन शेन कहता है कि वो डॉक्टर शेन को मनाने वो अपनी सारी सेविंग्स दे देगा। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ की मेंगवी सभी एम्प्लॉयज से माफ़ी मांग कर रिज़ाइन करने के लिए कहती है, लेकिन सभी उसे रोकते हैं। फिर शेन भी उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजता है, जिसे देख मेंगवी को गुस्सा आने लग जाता है। उसे अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि शेन सब कुछ फाउंडेशन के फॉर्मूले को पाने के लिए कर रहा है। वो उसके पास में जाती है और उसे कह देती है कि उस फाउंडेशन का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। उसने उसे अपनी स्किन टोन से मिलाने के लिए मार्केट में अवेलेबल 8 अलग अलग प्रोडक्ट्स को मिक्स कर बनाया है और अपने डिसऑर्डर के कारण उसने और कहाँ से उसने उसे बनाया है उसे वो भी अच्छे से याद नहीं। शेन उसे कहता है कि वो सच में उसे डेट करना चाहता है। मेंगवी उसे कहती है कि वो झूठ बोलना बंद कर दे और उसके पास में कुछ भी नहीं है देने के लिए। शेन उसे बहुत समझाता है जब वो उसकी नहीं सुनती, पर फिर वो उससे कहता है कि कम से कम फ्रेंड ही बन जाओ और उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद की मेंगवी मान जाती है। इसके बाद सीन उनकी लुका छिपी पर दिखाया जाता है। जब मेंगवी शेन का नाम सुनती या देखती तो वो भागने लगती थी, लेकिन इवेंचुअली वो उसके आसपास ही पहुंच जाती। सीन फिर से चेंज होता है और फिर हम मेंगवी को शेन के घर के सामने देखते हैं, जिसे देखकर वो सोचती है कि क्या एक इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर ऐसी जगह पर रहता है। फिर वो किसी तरह उसके पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आई है, जो वो उसे देने के लिए गई थी, उसकी मदद करने के लिए। शेन उसे देखता है और अंदर जाकर चेंज करने के लिए कहता है क्योंकि उसके कपड़े थोड़े गीले होते हैं। शेन भी उसे समझाता है कि उस इवेंट के फाइन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो उसकी गलती नहीं थी। शेन उसे चाय ऑफर करता है, जिसके लिए वो मान जाती है। शेन चाय बनाने के लिए लग जाता है, जहाँ की मेंगवी उसके घर को एक्सप्लोर करती है। चलते चलते वो एक जगह पर पहुँच जाती है जहाँ कर्टन्स होते हैं। हटाने पर वो देखती है कि दीवार पर बहुत सारे चैरिटी और डोनेशन सर्टिफिकेट होते हैं और वो समझ जाती है कि शेन इतना कंजूस क्यों है
और उसके लिए बुरा फील करती है। शेन के आने से पहले वो उसे कवर कर देती है और फिर चाय पीकर चली जाती है। अगले दिन मेकअप रूम में जब वो कुछ एम्प्लॉयज़ को शेन की बुराई करते हुए सुनती है तो उसे मना करती है। तो उससे पूछते हैं कि एक ही रात में ऐसा क्या हो गया जो वो शेन की चाय लेने लग गई है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं करती और वहाँ पर शेन को मैसेज करती है कि क्या वो फ्री है, जिस पर शेन उसे रिप्लाई करता है कि उसका फ्री होना मेंगवी पर ही डिपेंड करता है। इसके बाद दोनों डिनर का प्लान करते हैं, लेकिन मैनेजर सू और बाकी के लोग शेन को कहीं बाहर जाने से मना कर देते हैं और शेन को मेंगवी को मना करना पड़ जाता है, इसलिए वो उससे सॉरी कहता है, लेकिन मेंगवी इतना माइंड नहीं करती। इसके बाद शेन अपने असिस्टेंट को सबसे एक्सपेंसिव मेकअप सेट प्रिपेयर करने के लिए कहता है, जो सुन सेक्रेटरी शॉक हो जाता है। फिर वो सभी के लिए लंच भी ऑर्डर करने के लिए कहता है। ऑफिस में खाना आता है लेकिन किसी को भी पसंद नहीं आता, इसलिए शेन कहता है कि सभी लोग रेस्टोरेंट सर्च करें और जिसे जो भी मिल जाए वो ऑर्डर कर देगा सबके लिए ऑफिस में, और शेन पे करेगा और ऐसा सिर्फ वाउचर के लिए है। और वो मिल जाने पर वो उसे मेंगवी को ट्रांसफ़र कर देता है, जो उसे पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जो शेन ने मे से लिया था। सब खाना ऑर्डर करते हैं और शेन की तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, साथ ही साथ वो सारे लोग शॉक भी होते हैं। सीन अब फिर से शेन और उसके असिस्टेंट पर शिफ्ट होता है, जहाँ की मेकअप बॉक्स प्रिपेयर कर लिया था। शेन कहता है कि वो उसे सैम्पल में बदल कर मेंगवी को डिलीवर कर दे। चियान कन्फर्म करता है कि क्या वो ऐसा सही में चाहता है और शेन बिल्कुल श्योर होता है। फाइनली वो बॉक्स मेंगवी को मिल जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर सीन चेंज होता है और फिर हम जियान और डॉक्टर ताओ को साथ में देखते हैं, जो उन्हें बता रहा होता है कि उसके स्कूल का रीयूनियन है लेकिन वो नहीं जाएगा। डॉक्टर ताओ उससे इसका रीज़न पूछती है तो वो उन्हें बताता है कि उसकी पूरी लाइफ में एक मजाक जैसी ही है। जब वो स्कूल में था तो सभी के पास में एडम एप्पल थे, लेकिन उसके पास भी नहीं था, इसलिए सभी उसे लड़की कहते थे। वो कमज़ोर भी था, इसलिए क्लास में उसे लड़कियों के साथ में बिठा दिया जाता था। फाइनली जब हाई स्कूल में उसका एडम एप्पल हुआ तो फिर उसके मूछे हो गई, लेकिन जब उसकी मूछे हुई तो उसके पैरों में बाल हो गए और फिर से उसे मजाक का सामना करना पड़ा। तो डॉक्टर ताओ से समझाती है कि इन सारी चीज़ों के बारे में वो ना सोचे और अपनी कार के साथ में जाकर इंप्रेशन बनाए। फिर सीन शेन पर शिफ्ट होता है, जो अपने डॉक्टर फ्रेंड से बात कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर स्मिथ मेंगवी का ऑपरेशन के लिए मान गए हैं और वो उसे मेंगवी को बताने के लिए कहता है। सीन मेंगवी पर शिफ्ट होता है, जो कि शेन की कंपनी को एक शोरूम में होती है, जहाँ एक औरत उसके प्रोडक्ट्स के महंगे दाम को देखकर बुराई करने लग जाती है। मेंगवी उसे कहती है कि वो उसने ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और वो अच्छा है, तो वो औरत एक सैंपल मांगती है लेकिन वो उसे नहीं देते, तो वो लोग उसे बुरा भला कहने लग जाते हैं। मैनेजर सू भी वहीं पर मेंगवी को नीचा दिखाते हुए कहती है कि मेंगवी उसे प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर शेन आता है, वो औरत उसे पूछती है कि ये कौन है, तो सभी लोग उसका इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि अगर शेन ने कहा कि वो सैंपल है तो वो सैंपल है और नहीं है मतलब नहीं है। और शेन मेंगवी को डिनर के लिए एक एक्सपेंसिव होटल में लेकर जाता है। मेंगवी सबसे सस्ती डिश को ऑर्डर करती है, लेकिन शेन सबसे महंगी ऑर्डर करता है। मेंगवी बहाना करती है कि इतना सारा कौन खाएगा। इसके बाद में उस होटल की 10 ईयर एनिवर्सरी होती है और मेंगवी लकी ड्रॉ को जीतती है, जिसमें उसे डॉक्टर स्मिथ के हेल्थ केयर का वाउचर मिलता है, जो ले वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन ये सारी प्लानिंग शेन की थी। वो उसे पूछता है कि क्या वो ये ट्रीटमेंट करेगी, जिसका जवाब वो हाँ में देती है और वो उसे कहता है कि ऐसा ट्रीटमेंट अभी उसने देश में नहीं है। इसलिए शेन उसे पूछता है कि क्या वो अपने उस कार की वजह से बुरा फील करती है। मेंगवी उसे 100 पॉइंट गर्ल के बारे में बताती है, जो परफेक्ट होती है लुक्स में, फैमिली भी रिच होती है, जिसकी एजुकेशन सब कुछ में, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, भगवान सभी को कोई ना कोई कमी देते हैं। उसके केस में ये एक स्कार है और वो एक 99 पॉइंट गर्ल है और इससे वो खुश है। पर अगले दिन मेंगवी छुट्टी ले लेती है और वो सबसे वेवी के बारे में भी पूछती है। सभी बताते हैं कि उसकी नोज़ की कंडीशन ख़राब है। फिर शेन उसका दोस्त उसे ऑपरेशन रूम में देखते हैं, जहाँ मेंगवी का ऑपरेशन होने वाला है। फाइनली ऑपरेशन हो जाता है और डॉक्टर हॉस्पिटल जाकर मेंगवी की कंडीशन देखते हैं, लेकिन वहाँ मेंगवी की जगह वेवी होती है। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या डॉक्टर स्मिथ ने उसका ऑपरेशन किया है, जिसका जवाब वो हाँ में देती है। डॉक्टर उससे खूब बुरा भला कहते हैं और बाद में सॉरी बोलकर भी चले जाते हैं। शेन को भी ये बात पता चल जाती है और वो मैनेजर सू को मना कर देती है, वो ब्रिटेन नहीं जाएगा। वो उसे खूब सुनाती है कि वो मेंगवी के लिए छोड़ रहा है, पर मेंगवी को भी बुरा भला कहने लग जाती है, लेकिन वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सभी मेंगवी को ढूंढते हैं क्योंकि वो अपना कॉल भी नहीं उठा रही होती है। फाइनली वो शेन को मिलती है और वो उससे बस में लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका स्कार देख सभी बातें बनाने लग जाते हैं और शेन जियान से कार मंगवाता है। फिर वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं।
लेकिन हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ की बचपन में एक बार मेंगुई को चिकन पॉक्स हो गया था। सभी बच्चे उससे दूर भाग रहे होते हैं लेकिन शेन उसके पास रहता है। वो उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ है, उसे बताती है कि उसे क्या हुआ और वो अपने डर के बारे में भी उसे बताती है कि कहीं उसके चेहरे पर ये निशान न रह जाए। शेन पूछता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। मेंगुई उसे कहती है कि वो जब भी परेशान होती है तो यहाँ आती। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है। दोनों उसी जगह पर बैठे होते हैं। शेन उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। मेंगुई कहती है कि वो जानती है कि उसे शेन बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो इसी बात की रिस्पेक्ट भी करती है, लेकिन वो उस लड़की की तरह ब्रेव नहीं है। उसने सोचा था कि जब वो सुंदर हो जाएगी तब वो उसे कहेगी कि वो जानती है कि शेन उसे पसंद करता है और दोनों साथ रहेंगे, लेकिन अपीयरेंस और प्यार शायद उसके लिए नहीं है। शेन की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो मेंगुई से कहता है कि चलो साथ में रहते हैं और उसे गले लगा लेता है। सीन जियान पर शिफ्ट होता है जहाँ की रीयूनियन में सभी लोग उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। सबको जूस सर्व करता है तो वो उसे वेटर कहने लग जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो बस में क्यों नहीं आया, उसका कंजूस बॉस उसे सैलरी नहीं देता। लेकिन रियलिटी तो ये है कि जियान ने अपनी ही कार शेन को दी थी जब उसे कार मांगी थी। जियान वॉशरूम में जाकर किसी को वॉइस नोट भेज के उसे यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए था। बाहर आने पर उसे एक वेटर एक कार आकर देता है और कहता है कि शेन ने ये कार भिजवाया है जिसमें कोई पासवर्ड नहीं है और उसकी लिमिट भी नहीं है। ये सुनकर जियान खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो सब से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछता है और जियान मना कर देता है और सभी उसका फिर से मजाक बनाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर ताओ आ जाती है और कहती है कि वो जियान की गर्लफ्रेंड है और फिर वो जियान से कहती है कि क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ या फिर रिच नहीं हूँ, उसने ऐसा क्यों कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। जियान उसे सॉरी कहता है और डॉक्टर ताओ सभी से माफ़ी मांगती है लेट आने के लिए। सभी ताओ जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर शॉक हो जाती है कि वो जियान की गर्लफ्रेंड कैसे बन गई है। और बस इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।